ये हम सबका सौभाग्य है कि हम होशो हवास में हृदय की श्रद्धा से जिन वाणी का हम श्रवण कर रहे हैं। आज पांचवा अध्ययन है, उत्तराध्ययन सूत्र का पांचवा अध्ययन अकाम मरण के नाम से है। अकाम मरण, मरण दो प्रकार का होता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना जरूर है। अब मरना किस ढंग से है इसके ऊपर फोकस करना है। मरने के कितने तरीके होते हैं उसके ऊपर गौर करना है। तो मरण दो प्रकार का कहा, अकाम मरण और सकाम मरण। एक प्रश्न उठता है कि भगवान महावीर ने अकाम मरण के बारे में क्यों बोला, सकाम मरण के बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि जिन शासन में तो सकाम मरण को ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। सकाम मरण, इसको हम दो शब्द और बोलते हैं भगवती सूत्र के माध्यम से, बाल मरण और पंडित मरण। अकाम मरण को हमारे यहां बाल मरण कहा जाता है। बाल कहते हैं अज्ञानी को, बाल कहते हैं वही बचपने को। अकाम मरण इसका मोटा सा अर्थ होता है बिना मतलब का मरण, ऐसी मौत जिस मौत का कोई अर्थ ही नहीं निकला। जो मर गया जिसके मरने का कोई लाभ ही नहीं हुआ, आत्मा को, शरीर को नहीं, आत्मा। जिस मरण के बाद आत्मा उच्च गति में जाए उसको सकाम मरण कहते हैं। जिस मरण के बाद आत्मा अधोगति में जाए उसे अकाम मरण कहते हैं। या जिसका मरण राग द्वेष की पराकाष्ठा में हो वो अकाम मरण, जिसका मरण जीने की इच्छा में होते होते मर जाए, ना मुझे मरना नहीं, मुझे मरना नहीं, अरे भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ, मैं मर गया, मैं मरना ही नहीं चाहता, मैं तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता, मैंने जितना ये साजो सामान जोड़ा है मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता, भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ। और जबकि मालूम है कि तू चाहे कितना फड़फड़ा ले मरना तो पड़े, लेकिन इस चीज को जानते हुए भी मुझे मरना नहीं, दवाई लाओ, ऑक्सीजन लगवाओ, कुछ भी करो, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं। मरने के नाम से रोने लग जाए, भय मेरा क्या होगा, ये जो डर और भय है, रोते रोते मरना। आप लोग कहते हो कि कई तो लोग आत्महत्या कर लेते, तो ये मरण भी अकाम मरण है, क्योंकि तो गुस्सा सहन नहीं हुआ, तकलीफ सहन नहीं हुई, कहा कि मैं मर ही जाता, क्योंकि तो गुस्से में आदमी, दुख में आदमी मरता है तो वो अधोगति में ही जाएगा ना। कोई प्रेम प्रेम प्यार से तो मरेगा नहीं, कोई आराम से है साता में तो मरेगा नहीं, लेकिन भाई दुख अब सहन नहीं होता, अपमान अब सहन नहीं होता, ये रोज के ताने ताने सहन नहीं होते, रोज जो जलील होते हैं, बेइज्जती होती है ना, तो ये मेरे से अब सहन नहीं होता, इससे अच्छा तो मर जाऊं। तो आदमी मजबूरी में मर रहा है ना, वो मरना कोई चाहता है, वो मजबूरी में मर रहा है,
अब नहीं हो रही सहन, सहन शक्ति नहीं है इसलिए मर रहा है। आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया है, आज तो किसी को कुछ कहने का धर्म ही नहीं रहा। अब आजकल किसी को कुछ कहने का धर्म नहीं है क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए भैया सोच समझ के बोलना है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी जब ऐसे गुस्से में मरे, दुख में मरे, क्रोध में मरे, तो ये भी अकाम मरण है। और हमारे यहाँ सकाम मरण तीन प्रकार का बताया गया है। एक तो भक्त प्रत्याख्यान, और एक इंगित मरण, और एक पादोक गमन। ये संथारे के तीन रूप बतलाए, तीन रूप जो अभी आपके सामने संथारा होके चुका है। तो संथारे के तीन रूप होते हैं। सबसे पहला होता है भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं भोजन का त्याग कर, इसको भक्त प्रत्याख्यान। भक्त भोजन को कहते हैं, प्रत्याख्यान यानी छोड़ना, भक्त प्रत्याख्यान। ये नॉर्मल संथारा भोजन छोड़ना, अंजल छोड़ना। दूसरा प्रत्याख्यान है इंगित मरण। इसमें यह होता है, इसमें आहार पानी का तो त्याग करना ही है, लेकिन एक और संकल्प होता है इसके अंदर कि मैंने किसी की सेवा नहीं लेनी, मैंने किसी से पाव नहीं दबवाने, मैंने किसी का आलंबन नहीं लेना, मैंने अपना बिस्तरा खुद ही बिछाना है और मुझे वही अपना काम खुद करना है, मुझे किसी की सेवा लेनी नहीं। इसको कहते हैं इंगित मरण। और तीसरा होता है पादोपगमन। पादोपगमन संतारा यह होता है कि एक जगह लेट जाना, अपना बिस्तरा बिछा दिया, उस पर लेट गए, और जिस मुद्रा में लेट गए उसी मुद्रा में रहना, करवट भी नहीं बदलना, उठना नहीं, बैठना नहीं, बस जिस स्थिति में पड़े, जैसे कटी हुई लकड़ी होती है ना, जैसे पेड़ से टूट जाए लकड़ी पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी रहे। पादोपगमन ये और उत्कृष्ट संथारा है, ये उत्कृष्ट से संथारे में पहुंच जाते हैं। ये संथारे पहले साधु जंगल में जाकर के किया करते थे, किसी पेड़ के नीचे किसी शिला के ऊपर लेट जाते थे और वहां संत उनको छोड़ के आ जाते थे, आखिरी क्षमा याचना कर जाते थे। तो ये उत्कृष्ट होता था, ये बहुत मुश्किल होता है आज के समय में, तो इसकी कल्पना हम नहीं करते। तो आजकल अमूलन भक्त प्रत्याख्यान होता है जिसमें हम अंजल का त्याग करते हैं। और ये त्याग कब करना होता है, जब ये पता चल जाए कि अब मेरा समय सीमित रह गया, अब इस शरीर से जाना है, इस घर को छोड़ना है, इस घर को, क्योंकि ये शरीर भी तो एक घर है ना, ये आत्मा का घर है। जब लगा कि अब इस आत्मा को जाना है, दूसरी गति में जाना है, तो जाने से पहले शरीर का मोह छोड़ देना, क्योंकि मुझे जीना है इसलिए तो हम खाते पीते हैं। फिर हम ये सोच लेना कि अब जाना तो है ही, अब खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देना, भाई मुझे खाना दो, मुझे पानी पिलाओ, ये ठंडा पानी दो, गर्म पानी दो, शरबत दो, दूध दो, चाय दो, ये दो वो ना, अब पीने की तरफ ध्यान ही नहीं देना, खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देना, अब तो ध्यान केवल एक देना, आत्मा पर, बस आत्मा आराधना, आलोचना करना, अपने दोषों को देखना, किसी से कुछ कहा सुनी हुई हो गई उसे बुला करके क्षमा याचना करना, उसे माफ करना, उससे माफी मांगना, और अपनी किसी भी चीज से मोह नहीं रखना, मकान से मोह नहीं रखना, बच्चों से मोह नहीं रखना, मन में ये भाव नहीं लाना कि ये सब मेरे हैं, आपको इतना सोचना कि ये सब शरीर के साथ ही थे और शरीर के साथ छूट जाने के बाद इनसे भी साथ छूट जाएगा, ये सोचना, ये संथारे का उपक्रम है। इसलिए मेरे बंधुओं, संथारा होश और हवास में आता है, बेहोश व्यक्ति को संथारा नहीं आता है।
कई लोग तो कह देते महाराज जी संथारा दे दो, वो होश नहीं उसको, संथारा दे दो जी, इनके मुंह में दे दो, इनके कान में दे दो। अरे भाई कान में दू कैसे, जब तक ये क्षमा पना और क्षमा याचना नहीं कर लेते, जब तक इनमें खुद की भावना नहीं, हाँ मैं संथारा करना चाहता हूँ, मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ और मैं अपने मोह ममता से दूर होना चाहता हूँ, मैं सबसे खिमत खिमावना करना चाहता हूँ, मैं सभी से क्षमा याचना करना चाहता हूँ और मैं अन्न जल का त्याग करना चाहता हूँ, मुझको मौत नजर आ रही है और सामने, अब मैं खाते पीते मरना नहीं चाहता, मैं भगवान की याद में मरना चाहता हूँ, उनके प्रेम में जाना चाहता हूँ, आत्म स्मरण में जाना चाहता हूँ, प्रभु स्मरण में जाना चाहता हूँ, प्रभु भक्ति में जाना चाहता हूँ, मैं उसका होकर के जाना चाहता हूँ, परमात्मा का होकर के जाना चाहता हूँ। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी के आराधना करते हुए जाना चाहता हूँ, ये भाव जब आते हैं ये संथारा। ऐसे संथारा बिस्तर को कहते हैं, तुम बोलो ना संथारे का शाब्दिक अर्थ क्या है, संथारा यानी बिस्तर, एक आखिरी बिस्तर, बस अब और बिस्तर नहीं बिछाना, आखिरी बिस्तर, अब ये कपड़े नहीं बदलते, आखिरी कपड़े, आखिरी बिस्तर, अब उसमें आखिरी बार लेटना है, आखिरी बार बैठना है, बस इसे, बस यही से अब वही मेरी दुनिया है और वो भी छोड़ देनी है, ये भाव जब आते हैं तो ये संथारा है। और इसको हमारे यहाँ सकाम मरण यानी पंडित मरण कहा जाता है। तो एक सवाल उठा कि भगवान ने अकाम मरण की के बारे में बोला, सकाम मरण के नाम क्यों नहीं रखा अध्ययन का नाम, तो आपको बताऊं इसका रहस्य एक ही है कि हम सब अधिकांशतः यहां तक कि साधु साध्वी भी, अगर ना हो तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो अधिकांशतः हो सकता है साधु साध्वी भी बहुत उत्तम होते हैं, श्राव श्राव का भी बहुत उत्तम होते हैं, लेकिन अकाम मरण, बाल मरण, तड़पते तड़पते मरण अधिकांशतः सभी का होता है, बहुत बिरला जीव होते हैं जिनको सकाम मरण होता है। तो जिनकी संख्या बहुतायत में रहती है उसी का नाम रखा गया है कि हम अधिकांशतः अकाम मरण ही होता है हमारा, सकाम मरण तो किसी किसी का होता है, तो जो किसी किसी का होता है उसकी क्या चर्चा कर दी, जिसकी ज्यादा चीज होती है तो उसी की चर्चा की गई है, तो इसलिए इसका नाम अकाम मरण अध्ययन रखा गया। तो याद रखिएगा ये भावना हम सबको भानी है कि आखिरी जब सांस छूटे तो उसी का नाम लेते हुए छूटे, क्योंकि दुनिया का नाम लूंगी तो दुनिया का नाम लूंगा या लूंगी तो इस दुनिया में पड़ा रहूंगा, परमात्मा का नाम लूंगा तो परमात्मा से मुलाकात होगी, है ना, उच्च गति में, बस आज यही अर्थ है। और हिमानी महाराज को कहूंगा 32 गाथाएं हैं इस अध्ययन के अंदर, उस 32 गाथाओं का वो स्वाध्याय करेगी। हाँ जी मथे वंदा में गुरु जी आपको सुनाई दे, हाँ जी आवाज आ रही है ना गुरु जी, मथेन वंदा में अनवंशी मोहंसी एगे तीन दूर तर तत एगे महापन इमं पण मुदाहर संती में यदुवे ताना अकाया मरणं तिया अकाम मरणं चेव सकाम मरणं ताहा बालानं अकामं तु मरणं असहिं भवे पंडियान सकामं तु उकोसे न सहिं भवे ततिमं परमं तानं महावीरेण देशीयं काम गिदे जहां बाले इसम बुराई कुवाई जे गिदे काम भोगे सु एगे कोड़ाए गचाई नामे दिटे परे लोए चकु दिठाई माराई हता गया इमे कामा कालिया जे गाना गया को जानाई परे लोए अतिवा नतिवा पुनो जने न सदिम हो खामी ई वाले पग भाई
काम भोगाणु रैणम के समसम पड़ी वजाई तव से दंडम समारंभ तसे सुथावर सुय अठाय अनठाय भूय गामम विहंसाई इनसे बाले मुसावाई माइले पिसुन सड़े गुंजे माने सुर मनसम से अमे अंति मनाई काय समय समते विते गिद्धे इति सु दुहाओ मलम संचिनाई शिशु नानु नगुवव मटियम तौ पुठो आयम केनम गिलानो परितपाय पबियो परलो घस कमानु पेही अपन सुयमे नारायणा असिलानम च जगाई बालानम कुर कमानम पगाड़ा जत वेयना तत्व वायम थानम जहा में अमणु स्वयं आहा का में ही गचंतो सो पच्चा परित पाई जहा सागड़ियो जानम समम हिचा महापहम विषम मग मोइनो अखे भगमी सोयाई एवं धम विम अहमम पड़ी वजिया बाले मचु मोहम पते अखे भगे व सोयाई तव से मरण तमी बाले संत साई भया अकाम मरण मरय दूते व कलिण जिये एयम अकाम मरणम बालानं तु पवेयम इतो सकाम मरणम पंडियान सुने हमें मरणम पि सपूर्णानं जहां में अमणु स्वयं विपसन मणा गायम संजयानम वसीम न इमं सवे सुविकुसु न इमं सवे सुगारसु नान शिला अगारता विषम शिलाय विकुण संति ए गेहिम विकुहिम गारता संजम उत्तरा गारते ही संवेहिम साहवो संजम उत्तरा चिराजिनम नगिनम जड़ी संगाड़ी मुडिनम ए अणि वीणतायंति दुशीलम परिय गयम पिंडोल एव दुशीले नर गाओ न मुचाय भिखाए व गिह तेवा सुवाय कमाए दिवा अगारी समाई अंगाणी सड्डी काये न फासाय कोस हम दुहाओ पक्कम ए गरायम न हवाय एवं सिखा समावन्ने गिही वासे विसुवाय मुचाई छवि पवाओ गच्छे जख सलो गयम अहज समाड़े भिखु दोन मन यरे सिया सब दुख पहिने वा देवे वावी माहिडिये उत्तराई विमोहाई जुई मंतानो पुवसो समाइनाइम जखेहिम आवासाइम जसंसिनो दिहाउया इडी मंता समीधा का मरुविनो अहुनो वमन संकसा बुज्जो अच्छी माली पभा तानी ठानानी गंचंती सिखिता संजमं तवं विकाए वगी हते वाजे संती परिनि वोडा तेसी सोचाम सपूजानम संजयान वुसिमाओ न संत संती मरणं तेसी लवंता बहु सोया तुलिया विसे समादाय दया धमस कंतिये विपसिये जमे हावि ताहा भूये न अपना तो काले अभिपय सड़े ताले समंतिये विन ए जलो महारि संवेय देय सकंकाय अकाल में संपते अगाधयाय समुसय सकम मरण मारे आग में दिव्य है पन्नते सुतागमे अर्थागमे तदु भयागमे ए हवा तुर्त ज्ञान के विषय जे कोई विचार लाग्या होए ते ने आलू जब वाइदम बच्चा मेरिया हूँ इनखरम अचखरम वैहिनम विनेहिनम जोगहीनम घोषहीनम सुठुदीनम दुठु पड़ी छियम ए कार्य कौ सज्जाओ कार्य न कौ सज्जाओ ए सज्जाइये सज्जायम सज्जाइये न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कणम तस्मिच्छामि दुक्कणम।